वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलिए देखते हैं यूपी की 10 बड़ी खबरें, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यूपी के राम मंदिर बनवाने में लग रहे धन में और बढ़ोतरी के आसार, जल्द ही ट्रस्ट को मोदी सरकार देगी ये अधिकार। राम मंदिर ट्रस्ट ने देश भर में स्वयंसेवकों को भेजकर लोगों से दान लिया। इसके अलावा स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक के खातों में भी भक्तों ने दान की रकम भेजी है। आपको बताते चले, विदेश में रहने वाले तमाम भक्तों ने विदेशी मुद्रा को भी डाक से भेजी है, लेकिन FCRA लाइसेंस ना होने की वजह से विदेशी मुद्रा को भुनाना संभव नहीं हो सका और ये मुद्रा भक्तों को वापस भेज दी गई। मैनपुरी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर, ग्रामीणों को बिना कोरोना वैक्सीन लगाए जारी किए कार्ड। कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीनेशन एक अहम हथियार बताया जा रहा है। केंद्र और सरकारें ज्यादा से ज्यादा लोगों के टीकाकरण पर जोर दे रही हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी इन प्रयासों को पलीता लगाने में चूक नहीं रहे। ताजा मामला प्रदेश के मैनपुरी जिले का है। यहां ग्रामीणों को कोरोना वैक्सीन के कार्ड तो जारी कर दिया गया, लेकिन उन्हें वैक्सीन की एक भी खुराक नहीं दी गई। आरोप है कि कार्ड जारी किए 1.5 महीना बीत चुका है, लेकिन अभी भी कोई भी स्वास्थ्यकर्मी वैक्सीन के नाम पर उनकी सुध लेने नहीं आया। जल शक्ति मंत्री पर लगाए आरोप पर आप सांसद को मानहानि का नोटिस। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह पर लगे आरोपों को लेकर उनके अधिवक्ता प्रशांत सिंह अटल ने आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को मानहानि का नोटिस भेजा है। अधिवक्ता ने आप नेता की ओर से लगाए गए आरोपों को निराधार और झूठा बताया है। साथ ही उन्होंने कहा, इस तरह के आरोपों से जल शक्ति मंत्री की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। झूठे आरोपों पर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर प्रचारित करने का गलत कृत्य किया है, जो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। आप नेता को 15 दिन में माफी मांगने को कहा गया है। यूपी 10वीं और 12वीं का परिणाम, शिकायत दर्ज करने की अंतिम तिथि बढ़ी आगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यूपी 10वीं और 12वीं रिजल्ट 2021 के खिलाफ शिकायतों के लिए आवेदन करने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब अभ्यर्थी परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 16 अगस्त तक अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, जो छात्र वैकल्पिक मूल्यांकन मापदंड के माध्यम से यूपी में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2021 में प्राप्त परिणामों से संतुष्ट नहीं है, उन्हें बोर्ड द्वारा इसके खिलाफ शिकायत करने की अनुमति दे दी गई है। 20 अगस्त से होने वाली PET की एग्जाम डेट में हुआ बदलाव, जानिए क्या है परीक्षा की नई तारीख। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 20 अगस्त को होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा को रद्द करके नई एग्जाम डेट जारी की गई है, जिसके अनुसार अब ये परीक्षाएं 24 अगस्त को 2 पालियों में कराई जाएंगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से 12 बजे तक है, जबकि दूसरी पाली का समय 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का निर्धारित किया गया है। यूपी में जल प्रलय, 23 जिलों में 1200 गांवों की 5 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से हुई प्रभावित। उत्तर प्रदेश के 23 जिलों में 1200 गांवों की 5 लाख से ज्यादा की आबादी बाढ़ से प्रभावित हो गई है। आपको बता दें, वहां बचाव और राहत अभियान अभी भी जारी है। राहत आयुक्त कार्यालय की ओर से रिपोर्ट में कहा गया कि 23 जिलों में 1243 गांवों में 5,46,039 की आबादी बाढ़ से प्रभावित। रिपोर्ट के मुताबिक प्रयागराज, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, बस्ती, गोंडा, सुल्तानपुर, श्रावस्ती, लखनऊ, रायबरेली और फतेहपुर सहित 11 जिलों में पिछले 24 घंटे में 25 मिलीमीटर या उससे अधिक बारिश हुई है। समझौता करना चाहती है लखनऊ की थप्पड़गंज, कहा पुलिस ने काम किया होता तो कानून मैंने हाथ में ना लिया होता। यूपी के लखनऊ में कैब ड्राइवर को पीटने के बाद चर्चा में आई प्रियदर्शनी अब मामले में समझौता चाहती है। बातचीत के दौरान प्रियदर्शनी यादव ने कहा कि अगर पुलिस ने अपना काम ठीक से किया होता तो वो थप्पड़गंज नहीं बनती। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस ने अपना काम नहीं किया, इसी वजह से उन्होंने कानून को हाथ में लेकर थप्पड़ चलाए। अगर ये मामला सुलझता है तो वो कोर्ट में 6 महीने के सारे CCTV फुटेज दिखाएंगी, साथ ही बताएंगी कि उन पर कितना हमला हुआ है। यूपी के 6 सीनियर IPS अफसरों का तबादला, RP सिंह बने DG ट्रेनिंग। उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। कुछ दिन पहले 14 IPS अफसरों का तबादला हुआ था और अब 6 सीनियर IPS अफसरों को भी इधर से उधर कर दिया गया है। आपको बता दें कि इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है और अब RP सिंह को DG ट्रेनिंग बनाया गया है। बिना नंबर वाली चमचमाती मर्सिडीज में निकले BJP MLA, पीछे दौड़ती रही पुलिस। गाजियाबाद के लोनी में भारतीय जनता पार्टी विधायक नंदकिशोर गुज्जर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो बिना नंबर प्लेट की मर्सिडीज गाड़ी में दिखाई दे रहे हैं। पुलिस पीछे पीछे दौड़ रही है, लेकिन MLA को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उत्तर प्रदेश इलेक्शन से पहले फूलन देवी के नाम पर क्यों गर्मा गई है सियासत, चलिए आपको बताते हैं। फूलन देवी उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों चर्चा के केंद्र में बनी हुई है। इसकी वजह अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव है। राजनीति फूलनदेवी के बहाने निषाद समाज के बीच अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं। वो फूलनदेवी के नाम और उनकी विरासत को अपना सहारा बना रहे हैं। इस बार पहले के मुकाबले फूलनदेवी को कहीं ज्यादा जोर शोर से मंगलवार को उनकी इस बार पहले के मुकाबले फूलनदेवी को कहीं ज्यादा जोर शोर से मंगलवार को उनके 98वीं जयंती पर याद किया गया।